जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूँ। अगर ये बात, ये जो बात ये आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सब में जाए, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेंड फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब, अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूँ। अगर ये बात, ये जो बात ये आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुजाइए रुबाइए, अरे सुनिए लोगो, हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। सभापति महोदय, ये सभापति महोदय जी जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं,
मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें बुलाने का झूठ बोलने की प्लीज बैठिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय आपका समय पूरा हो गया है। मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ। सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ बजट पर चर्चा करिए प्लीज। बजट पर सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है प्लीज कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना माननीय, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी चर्चा रखिए। सप्ताह में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना माननीय सदस्य। और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे।